स्वच्छ भारत मिशन एक कदम सफाई की जानिब। अक्सर किताबों में, अखबारों में, दीवारों पर और कई किस्म के सामान पर आपने ये नारा खूब लिखा देखा होगा, लेकिन क्या आपने कभी सोचा कि हम सब इन अल्फाज पर कितना अमल करते हैं? क्या हम वाकई अपने घर, आसपास और आबोहवा को साफ रखने में मदद करते हैं? नहीं, क्योंकि हम सिर्फ अपने घरों को साफ रखने की जिम्मेदारी निभाते हैं और घरेलू फुजले को घरों से निकालकर बाहर फेंक देते हैं, चाहे कूड़ा घर में या कचरा गाड़ी में। अगर वाकई आप ऐसा कर रहे हैं तो सही मानी में आप अभी भी स्वच्छ भारत मिशन का मकसद समझने में नाकाम हैं, क्योंकि स्वच्छ भारत मिशन का मकसद सिर्फ अपने घरों की सफाई करना नहीं, बल्कि अपने समाज और आबोहवा की सफाई के तय जिम्मेदारी निभाना भी है। इस मिशन का मकसद सिर्फ फुजले को बाहर फेंकना नहीं, बल्कि उसे सही तरीके से इस्तेमाल में लाना भी है और हर तरह के वेस्ट को मुनाफा कमाने में इस्तेमाल में लाना है। अब सोचिए कि हम में से कितने लोग ऐसा कर रहे हैं। अक्सर हमारे घरों में दो किस्म का फुजला पैदा होता है, ठोस फुजला और गीला फुजला। ठोस फुजला प्लास्टिक, कांच, लोहा, पुराने अखबार और कागज वगैरह। गीला फुजला सड़े गले फल सब्जियां, सब्जियों और फलों के छिलके, इस्तेमाल शुदा चाय की पत्ती, बचा हुआ खाना, फूल, छोटे घास के टुकड़े और अंडे के छिलके वगैरह। रिसाइकल होने के बाद दोबारा इस्तेमाल होने वाले फुजले को हमेशा बावर्ची खाने के फुजले से अलग रखना चाहिए। हमें इन्हें अलग कूड़ेदान में डालना चाहिए। फेंकने के बजाय इसे फरोख्त कर हम मुनाफा कमा सकते हैं और इस तरह से फुजला सही ठिकाने पर पहुंच जाता है। जबकि बावर्ची खाने के गीले फुजले को एक अलग कूड़ेदान में रखें तो इसका बेहतर इस्तेमाल कर सकते हैं। कंपोस्टिंग के अमल के जरिए इस घरेलू फुजले से हम घर ही पर कुदरती खाद बना सकते हैं। कंपोस्टिंग एक ऐसा अमल है जिसमें ऑर्गेनिक या कार्बनिक मादे या गजाई फुजले को पानी और हवा की मदद से माइक्रोजेनिज्म खाद की शक्ल में तब्दील कर देते हैं। ये खाद हमारी फसलों और पौधों के लिए भी अच्छी होती है, क्योंकि इसमें किसी भी किस्म का कीमियाई मादा नहीं होता, इसलिए ये मिट्टी के लिए फायदेमंद होती है। इस काम को कैसे करना है अब ये देखिए। असल में माइक्रोजेनिज्म कंपोस्टिंग के लिए चार चीजों का होना बहुत जरूरी है, जैसे सूखी पत्तियां, धूल मिट्टी, फटे पुराने कागज के टुकड़े, लकड़ी का बुरादा, भूसा और धान का छिलका। इन सब से कार्बन गैस बनती है। बचे खुचे फल और सब्जियों के फुजले, फूल, छोटे घास के टुकड़े और अंडों के छिलकों से नाइट्रोजन गैस बनती है। हमारे माहौल से हमें ऑक्सीजन गैस मिलती है और पानी की सही मिकदार इस फुजले को सड़ने में मदद करती है। ये सारा फुजला हमें घर ही में मिल जाता है। बस हमें इस फुजले से खाद बनाने के अमल के बारे में सही मालूमात होनी चाहिए। घरेलू गीले फुजले से खाद बनाने का काम हम अपने किचन गार्डन या फिर क्यारी में एक 3-4 फीट गहरा गड्ढा खोदकर भी कर सकते हैं। इस गड्ढे को कंपोस्ट पिट कहा जाता है। बावर्ची खाने से निकले गीले फुजले को सूखी घास, भूसे और पत्तों के साथ मिलाकर एक के ऊपर एक परत बनाकर बिछाना चाहिए। जब गड्ढा फुजले से भर जाए तो इसमें नमी की माकूल मिकदार के लिए हाथों से हल्का पानी छिड़कना चाहिए और फिर इस गड्ढे को ढककर तकरीबन 2 माह के लिए छोड़ देना चाहिए। 2 माह बाद जब आप गड्ढे को खोलेंगे तो आपको बहुत उम्दा किस्म की नामियाती खाद हासिल होगी। तो है ना कितना आसान, गीले फुजले से बढ़िया नामियाती खाद की पैदावार। अगर आपके घर में गड्ढा खोदने की जगह नहीं है तो आप कंपोस्ट पिट की जगह ये खाद कंपोस्ट बिन में बना सकते हैं। एक बड़े घड़े, पुराने ड्रम या ढक्कन वाली बाल्टी में भी आप कंपोस्ट बिन बना सकते हैं, बशर्ते कि उसमें हवा जाने की जगह जरूर हो। कंपोस्ट बिन में 4 छेद करके आप इसे हवादार बना सकते हैं। हालांकि कंपोस्ट पिट में नमी की भरपाई मिट्टी से हो जाती है, लेकिन कंपोस्ट बिन में आपको थोड़े थोड़े दिनों के वक्फे पर पानी का छिड़काव करना होगा ताकि बर्तन में नमी बनी रहे और कंपोस्टिंग का अमल चलता रहे। शहरी इलाकों में लोग इस खाद को अपने गमलों और क्यारियों में इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे वो अपने पौधों और मिट्टी को मुकम्मल गजाइत दे सकते हैं। फुजले से कंपोस्ट बनाने के अमल के दौरान कुछ और एहतियाती तदाबीर इख्तियार करनी भी जरूरी हैं। जैसे कंपोस्ट बनाने के लिए कूड़ेदान में क्या ना डालें,
पुराना सड़ा हुआ या बदबूदार खाना, गोश्त और हड्डियां, मवेशियों का अखराज, कीमियाई मादे, बैटरी, बीमार पौधे, अद्वियात और प्लास्टिक बैग वगैरह। ख्याल रहे कि कंपोस्टिंग एक कुदरती अमल है, इसलिए इसे कुदरती तरीके से बनाना ही कारगर है, लिहाजा इसमें किसी भी तरह के कीमिया का इस्तेमाल नुकसानदेह है। इससे कंपोस्ट बनाने का अमल मुतासिर हो सकता है। कंपोस्टिंग के अमल से न सिर्फ हम गीले फुजले का सही इंतजाम कर सकते हैं, बल्कि अपने माहौल को भी साफ सुथरा बनाने में मदद कर सकते हैं और घर बैठे मुफ्त ही में आला मयार की अच्छी खाद बना सकते हैं। इससे न सिर्फ हमारे पौधों को गजाइत मिलेगी, बल्कि मिट्टी की जरखेजी में भी इजाफा होगा, जिसका हमारे पौधों और फसलों की पैदावार पर मुस्बत असर पड़ेगा। बावर्ची खाने के फुजले से इतने सारे फायदों के मद्देनजर मरकजी हुकूमत ने स्वच्छ भारत मिशन के तहत लोगों को बेदार किया है। साथ ही शहरों से लेकर देहात तक इसके लिए मुफ्त मशावरात और तरबियती सहूलियात फराहम कराई जा रही हैं। बस जरूरत है तो अपनी जिम्मेदारी को पहचानने की। हम बदलेंगे तभी तो मुल्क बदलेगा। आइए मिलकर अहद करें, न रहेगा वेस्ट, न करेंगे वेस्ट।